सोनी साहब, क्या चुनौतियां आप देखते हैं महिला कुश्ती की अगर हम बात करें, और हमारा जो ट्रेडिशनल कुश्ती प्रशिक्षण का तरीका है, आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव भी चाहिए? तकरीबन 2008 से जो तैयारी इनकी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी इनका स्ट्रेंथ पे भी जोर लगाया, हमने जोर लगा रहे हैं, और एंड्योरेंस में भी इनकी काफ़ी ट्रेनिंग हो रही, बढ़िया हो रही है। देखिए महिला कुश्ती की तैयारियों से रचा बसा हमारा खास कार्यक्रम मिशन दिल्ली 2010, 13 फरवरी दोपहर 2:30 बजे डीडी नेशनल पर। एक ऐसा खेल माना जाता है महिला कुश्ती, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे हम आगे बढ़ें? गर्ल्स की जो भी तैयारियां हो रही हैं, मैं उसकी खुद गवाह हूँ। ये स्ट्रेंथ में भी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो हर चीज़ को बाहर के रेसलर्स को देख के पूरी खरी उतरती हैं इस चीज़ में। पर आगे हमें उम्मीदें हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम काफ़ी कुछ कर दिखाएं। देखिए महिला कुश्ती की तैयारियों से रचा बसा हमारा खास कार्यक्रम मिशन दिल्ली 2010, 13 फरवरी दोपहर 2:30 बजे डीडी नेशनल पर। कहाँ आपने अपना लक्ष्य तय करके रखा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में? अभी तो मेन टारगेट कॉमनवेल्थ गेम्स ही है, कॉमनवेल्थ गेम्स ही मेन टारगेट है। उसके अलावा कुछ जहन में ऐसा नहीं है कि हमें वो जीतना है, ये करना है, मतलब और जो हम टूर्नामेंट्स हैं बाकी, हम उनको थोड़ा छोड़ रहे हैं। हमारा मेन टारगेट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स है। खेल पहलवानी का, जिसमें नहीं पीछे भारतीय महिलाएं भी। कीजिए मुलाकात भारतीय महिला पहलवान गीतिका जाखड़ से हमारे खास कार्यक्रम मिशन दिल्ली 2010 में 13 फरवरी दोपहर 2:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, मिशन दिल्ली 2010 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल से अगर तू एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इस शेर से अगर आप कोई मतलब निकालें तो वो मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ खेलों की अगर हम बात करें, या हम बात करें इन जनरल भारत में जो हम खेलों में एक ताकत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो अब एक ऐसा खेल भी है जिसमें हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है, दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है, और यह खेल है महिला कुश्ती का। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिला कुश्ती की, और आज का पूरा हमारा एपिसोड इसी पर फोकस होगा, और इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे महिला कुश्ती में भारत आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसा खेल है जो अनकन्वेंशनल कहा जाएगा अगर हम भारतीय संदर्भों की बात करें, गैर पारंपरिक संदर्भ से हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में महिला कुश्ती और महिला जो हमारी कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनका आगे आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आइए, इसके पहले कि हम इस बातचीत को शुरू करें, हम जो हमारे मेहमान हैं आज स्टूडियो में, आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ हैं कुश्ती के चीफ कोच पीएस सोंधी साहब, जिन्होंने बहुत एक बड़ा अचीवमेंट लिया था, सुशील कुमार जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे बीजिंग ओलंपिक में, उस समय ये पुरुषों के कोच थे, और एक बड़ा अचीवमेंट इनका है। अब इनको जिम्मेदारी दी गई है, एक नर्सरी इनको दी गई है महिला कुश्ती की, और हम उम्मीद करते हैं कि यहां से भी ये कुछ उसी तरह के रिजल्ट लेके आएंगे। हमारे साथ हैं कोच मोनिका चौधरी, जो इसी काम में लगी हैं सोंधी साहब के साथ, एक काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और हमारे साथ हैं गीतिका जाखड़, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया दोहा, अगर हम एशियाड की बात करें तो वो ऐसी पहली कुश्ती की खिलाड़ी, महिला कुश्ती की खिलाड़ी रही जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और बहुत सारी उम्मीदें हम करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खजाना उनके पास है, जो टैलेंट उनके पास है, वो सब हमारे सामने निकल कर आएगा, और देश और दुनिया भी हम कहें कि उनकी तरफ देख रही है, उन पर गर्व कर रही है। सबसे पहले हम सोनी साहब आपकी तरफ आते हैं। एक ऐसा खेल माना जाता है महिला कुश्ती कि जहां हम कह रहे हैं कि अभी हम ताकत तो नहीं है,
कोशिश कर रहे हैं, हमारे अचीवमेंट्स काफी अच्छे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? वैसे पहले तो मैं, जैसे आपने पहले कहा था, परंपरावादी खेल जो कुश्ती है, एक्चुअली सारी दुनिया में इसका ऐसा हाल था, पहले तो औरतें कुश्ती देख भी नहीं सकती थी, लेकिन स्त्री जाति का रोल काफ़ी रहा है पहलवान बनाने के लिए। और सबसे पहले जो 1989 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में कुश्ती ऐसी नहीं चलती थी, तो हमारे हिंदुस्तान में पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप हुई 1996 में, तो उसमें भी जो हमारे काफ़ी जो प्लेयर आए थे खेलने के लिए, वो इधर कबड्डी के प्लेयर थे जहाँ जूडो के प्लेयर थे। लेकिन हौली हौली जैसे हर एक साल ये चैम्पियनशिप होती रही, इंडिया की टीम में बाहर जाने लगी, तो फिर बच्चों में और कोचेज ने और पेरेंट्स ने अपने अंदर ये ख्याल आया, अवेयरनेस, अभी हम बच्चों को भी, लड़कियों को भी कुश्ती में डालें। तो फिर हौली हौली जिस तरह जो पहली हमारी एशियन गेम्स जिसमें लड़कियों की एंट्री हुई वो 2002 की थी, वहाँ हमारी चार लड़कियाँ गई थी, चारों लड़कियों ने ठीक रिजल्ट दिए थे, चलो मेडल तो नहीं ले सकी लेकिन रिजल्ट बढ़िया लड़ी वहाँ पर। उसके बाद 2006 की जो बात आपने की है, उस वक्त मेरे ख्याल में जो लड़कों का मेडल था वो सिल्वर नहीं था, लड़कों के ब्रॉन्ज ही थे, लेकिन गीतिका जाखड़ ने वहाँ सिल्वर लिया। बातचीत को हम जारी रखेंगे, मोनिका की तरफ भी आएंगे और आपकी तरफ भी आएंगे, इसके पहले हम देख लेते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह से इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट्स पे कि किस तरह से अचीवमेंट्स हमारे रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़े। भारतीय खेलों की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन खेल है कुश्ती, जिसमें हमारे जाबाज पहलवान पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आए हैं। पुरुषों के लिए खास तौर पर जाने जाने वाले शक्ति परीक्षण के खेल में महिलाएं भी अब पीछे नहीं हैं। अगर अब इस खेल में भारतीय महिलाओं की बात करें तो उन्होंने भी लगातार अपने प्रदर्शन से पूरे देश को प्रभावित किया है। दोहा एशियन खेलों में गीतिका ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और अलका तोमर ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किए। और अभी हाल ही में जालंधर में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 3 महिला पहलवानों बबीता कुमारी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में, गीता ने 55 और अलका तोमर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्णिम सफलता हासिल की और पूरे भारतीय महिला दल ने 4 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदकों पर कब्जा किया, जो इनके सराहनीय प्रदर्शन को दर्शाता है और यकीन दिलाता है कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता के नए आयाम गढ़े जाएंगे। निश्चित रूप से काफी उम्मीद जगाने वाला है महिला कुश्ती की अगर हम बात करें। हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि उम्मीद चमक रही है, उम्मीद की किरणें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और हम पूरे विश्वास से ये कह सकते हैं कि आने वाला समय महिला कुश्ती में भी हमारा है। मोनिका, हम आपकी तरफ आते हैं, आप बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं इस बात से कि महिला कुश्ती में भी आने वाले समय में भारत एक ताकत बनकर उभरेगा? बिल्कुल एक ताकत बनकर उभरेगा। अब जो हमारी तैयारियां, मैं शुरू से ही इस कैंप के साथ हूँ, सर ने जैसे बताया 2009 से हैं, मैं 2008 से इस कैंप के साथ हूँ। गर्ल्स की जो भी तैयारियां हो रही हैं मैं उसकी खुद गवाह हूँ। ये स्ट्रेंथ में भी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो हर चीज़ को बाहर के रेसलर्स को देख के पूरी खरी उतरती हैं इस चीज़ में। तो काफी मजबूती से हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारी चल रही है। हम कह सकते हैं कि टेक्निकली और वैसे भी हम काफी स्ट्रांग हैं इसमें और आगे हमें उम्मीदें हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम काफी कुछ कर दिखाएंगे। हम भी यही दुआ करते हैं। गीतिका, हम आपकी तरफ आते हैं, काफी बढ़िया अचीवमेंट्स हैं और हम कहें कि सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं तो कोई गलत बात इसमें नहीं होगी। आपने दोहा में सिल्वर मेडल लिया, इसके अलावा क्या अचीवमेंट्स अब तक आपके रहे हैं, क्योंकि काफी ब्राइट आपके, हम कहें कि सारी उम्मीदें आपकी तरफ हैं, अगर ये हम बात कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। इससे पहले मैं 2 times कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके अलावा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की बेस्ट रेसलर डिक्लेयर किया गया है और 2 times एशियन चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट एंड 8 times सीनियर नेशनल चैम्पियन।
और इसके अलावा मुझे 2007 में अर्जुन अवार्ड मिला, जो कि मतलब मेरे ख्याल से मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अर्जुन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फीमेल रेसलर को मिल रहा था. तो टू बिकम अ फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू गेट दिस अर्जुन अवार्ड, आई गॉट मीन्स आई फेल्ट वेरी यू नो कि इतना प्राउड फील हुआ मुझे. तो बहुत क्या बात है, बिल्कुल. और ये बात कहते हुए खुशियों का जो गुलाल आपके चेहरे पे छिटका, निसंदेह हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी उससे बिल्कुल एक रोमांचित हुए होंगे, क्योंकि आप पहली ऐसी महिला रेसलर हैं जिन्होंने ये अर्जुन अवार्ड का एक तमगा, एक खिताब आपके माथे पर सजा है. और हम उम्मीद करते हैं कि आगे एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है. किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही हैं, कहां आपने अपना लक्ष्य तय करके रखा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में है? अभी तो मेन टारगेट कॉमनवेल्थ गेम्स ही है. उससे पहले अभी जैसे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप थी तो उसमें मुझे थोड़ी इंजरी थी, तो सोंदी सर ने, मैं खेलना चाहती थी हालांकि उसमें, लेकिन सोंदी सर कहते नहीं, हमारा मेन टारगेट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स है. ऐसी चैम्पियनशिप तूने पहले इसमें 2 बार गोल्ड मेडल लिए हैं, लेकिन वो हमारा मेन टारगेट नहीं है. तो अभी पूरी तैयारी, अब जैसे सर मेरी मतलब रिहैबिलिटेशन और पूरा उस इंजरी अभी जैसे ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैट पे प्रैक्टिस शुरू की है मैंने. तो कॉमनवेल्थ गेम्स ही मेन टारगेट है, उसके अलावा कुछ सहन में ऐसा नहीं है कि हमें वो जीतना है, ये करना है, मतलब और जो हम टूर्नामेंट्स हैं बाकी, हम उनको थोड़ा छोड़ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी. और बार बार जब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है तो ऐसा करते हैं कि हम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो हाल ही में जालंधर में हुई थी, एक नजर डालते हैं कि क्या वहाँ रिजल्ट रहे थे, किस तरह की उपलब्धियां हमारी वुमेन रेसलर्स की वहाँ रही थी. आइए एक नजर डालते हैं. ये देखिए आपके सामने ये तालिका है. 48 किलोग्राम में निर्मला देवी ने सिल्वर लिया था. नेहा राठी जो है 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था, और गोल्ड गया था बबीता कुमारी के पास. और 55 किलोग्राम वर्ग की हम बात करें तो गीता थी, गीता ने गोल्ड लिया, निर्मला देवी ने सिल्वर लिया. 59 किलोग्राम वर्ग की बात करें तो अलका तोमर थी, इन्होंने गोल्ड लिया, रजनी ने सिल्वर लिया. 63 किलोग्राम वर्ग की हम बात करें तो अनिता सिल्वर थी और नवजोत कौर ने इसमें कांस्य पदक लिया. 67 किलोग्राम वर्ग की बात करें तो कांस्य पदक सुमन और बबीता दो थी इसमें हमारी महिला कुश्ती की खिलाड़ी. और 72 किलोग्राम वर्ग में अनमोल ने कांस्य पदक इसमें हासिल किया था. तो ये आपने देखा कि ये उपलब्धियां रही थी, जो काफी बढ़िया हम कह सकते हैं कि एक हमारी प्रिपरेशन चल रही है, हमारी तैयारियां चल रही हैं. और हम फिर इसी सवाल को लेकर चलते हैं सोंदी साहब के पास. सोंदी साहब, क्या चुनौतियां आप देखते हैं महिला कुश्ती की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनसे आपको लगता है कि बड़ी स्टिफ चुनौती मिलेगी, और हमारा जो ट्रेडिशनल कुश्ती प्रशिक्षण का तरीका है, आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव भी चाहिए? देखो, जो मैं समझता हूँ, लड़कियां जो हमारी फर्स्ट ट्रेनी है, ये डायरेक्ट बहुत बढ़िया सीखती हैं. हमारा सबसे जो बढ़िया तरीका है इनको सिखाने का, जब हम इनको कंपटीशन में भेजते हैं और जो हमें लगता है अच्छी लड़की हैं दुनिया की, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, अगर हम इनकी ट्रेनिंग उनके साथ कराएं कभी कभी, मे बी फॉर 15 डेज, समटाइम मे बी फॉर 10 डेज, उसमें लड़कियां कोच से ज़्यादा सीखती हैं. ये तरीका बहुत बढ़िया है, क्यों, पहले से जिसने कुश्ती में तरक्की की है, उस कुश्ती की में तरक्की का राज यही है. अगर आप अच्छे लड़कों से या अच्छी लड़कियों से प्रैक्टिस करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपके रिजल्ट भी बेटर होंगी. लेकिन फिर भी जो हम तकरीबन 2008 से जो तैयारी इनकी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी इनका स्ट्रेंथ पे भी जोर लगाया, हमने जोर लगा रहे हैं, और एंड्योरेंस में भी इनकी काफ़ी ट्रेनिंग हो रही, बढ़िया हो रही है. टेक्निकली भी लड़कियां हमारी, कुछ बेस इनका थोड़ा कमज़ोर जरूर होता, क्योंकि जो इनकी पहले सिखलाई शुरू होती है वहाँ पर सिर्फ जिदा कह लो जो साइंटिफिक अप्रोच है टेक्निक करने की, वो कम होती है. इनके दिमाग में जैसे इनको बोल दिया भाई आपने अटैक करना सिंगल लेग के ऊपर या डबल लेग के ऊपर, ये सीधा करती हैं, लेकिन कैसे स्टेप लेना, कैसे अपनी बॉडी की पोजीशन रखना, ये काफ़ी इनके बच्चों के मन में होती भी नहीं उस समय बात, जैसे बॉडी चलेगी वैसे इन्हें रखनी, उससे काफ़ी मान इनकी जो परफॉर्मेंस हाई लेवल पर जाने वाली होती है ना, वो काफ़ी जिदा कह लो एक प्रोसेस उसका बड़ा स्लो हो जाता है. ये भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बताया कि एक तकनीकी खामी है, इसको कैसे दूर किया जाएगा. पहले हम मोनिका की तरफ चलते हैं. मोनिका, एक जिसे कहना चाहिए कि खान पान
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रेसलर के लिए, खासतौर से अगर हम महिलाओं की बात करें। और आमतौर पर ये बात बार बार कही जाती है कि भारतीय पहलवानों का रुझान शाकाहार वेजिटेरियनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्या आपको लगता है कि एक मेंटल ब्लॉक है, और अगर ये शाकाहार से थोड़ा सा अगर ये हटें और उस तरफ जाएं, नॉन वेजिटेरियन चीजों को भी अडॉप्ट करें अपने खान पान में, तो ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो रेसलर्स पहले जिन्होंने उपलब्धियां ली हैं वो मोस्टली शाकाहारी ही हैं, वेजिटेरियन ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी मेंटली सोच ही है। अगर आप जो आपका खाने पीने का तरीका है वो सही ढंग से, सही समय पे और सही तरीके से दिया जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कहीं लैग कर सकेगा। शाकाहारी या नॉन वेज या वेज होने में इसमें कोई भी हम खामी नहीं समझते कि भाई ये तो तुम्हारे पर डिपेंड है कि भाई आपका मन करता है आप वेजिटेरियन ले या नॉन वेजिटेरियन ले, इसमें कोई मैं नहीं समझती कि गीतिका से भी है। हम जब बात चली है इसकी तो गीतिका से भी पूछ लेते हैं। गीतिका, आप शाकाहारी हैं या मिक्स है मामला? नहीं, बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भगवान को ज़्यादा मानते हैं और इस वजह से ये, और पहलवान ज़्यादा मानते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर पहलवान वेजिटेरियन है। ये बताइए कि जब बाहर आप जाते हैं तो ये शाकाहार कहीं उसमें बाधा तो नहीं बनता है? नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होता है कि मतलब, लेकिन हम लोग अपने साथ अपना खाने का लेके जाते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से नहीं प्रॉब्लम आती ज़्यादा। सोनी साहब, आपकी तरफ आते हैं, वो जो एक टेक्निकल आप बता रहे थे समस्या की होती है, तो ये क्या आप फील करते हैं कि क्या इसके लिए हमको क्या फॉरेन कोचेस की भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, या कहीं किस तरह से आपकी लड़कियों को बाहर भेजा जाए, जो हमारी महिला कुश्ती की खिलाड़ी हैं, बाहर के जो पहलवानों के साथ जो इस क्षेत्र में मजबूत हैं उनके साथ मैदान में उतारे? सीनियर वर्ग में फॉरेन कोचेज की हमें जरूरत नहीं है। अगर फॉरेन कोचेज लगाना ही है तो सब जुल में लगाना चाहिए, यहाँ से उनका बेस बनता है। अब इस समय जो सीनियर लड़कियां मैच्योर काफी हो चुकी हैं, इनको बेसिक फंडामेंटल सिखाना ये ज्यादा बढ़िया नहीं है। इनको तो जहां पर ये काम कर रही हैं वही सुधार होना चाहिए, और वही अगर थोड़ी बहुत ही दुरुस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही दुरुस्ती करनी चाहिए। नमे नए तरीके से हम अगर इनको वो शुरू कर दें, वो हम जो हमारा टारगेट है 2010 वाला वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मोनिका, ट्रेनिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है? जैसे हमारे साथ फॉरेन कोच अटैच हैं, सोंदी सर हैं, और हम सभी मिलके अपना ट्रेनिंग शेड्यूल चलाते हैं NIS पटियाला में, जो भी है जहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है, और उसमें हम काफ़ी अपने अकॉर्डिंग, जहाँ बच्चों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ बच्चों को इंड्योरेंस की ज़रूरत है, जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग टेक्निकली हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका ट्रेनिंग शेड्यूल हमने डेवलप किया हुआ है। कॉम्पिटिशन से पहले क्या ट्रेनिंग देनी है, कॉम्पिटिशन के बाद कितना रेस्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग ये सब हमने प्रिपेयर किया हुआ है सारा। अभी कितने हमारे पास ऐसे महिला रेसलर्स हैं जो प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ कैंप में 28 रेसलर्स हैं। हर वेट कैटेगरी में हमने 4 रेसलर्स को लिया हुआ है, 48 जो भी है, 51, 55, 59, 63, 67 एंड 72, ये हमारी वेट कैटेगरीज हैं। इनमें 4-4 रेसलर्स को हमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर इसमें लिया हुआ। सोनी साहब, कॉमनवेल्थ में अगर हम बात करें, प्रतिस्पर्धी हमारे जो है वो तगड़े प्रतिस्पर्धी जिनसे हमें बड़ी मजबूत चुनौती मिलेगी, काफी ताकत लगानी पड़ेगी, कौन कौन से हों? मेन रेसलिंग के लिए अगर लेते हैं ना, तो मेन रेसलिंग में इतना हमारा कंपटीशन नहीं है, लेकिन वुमेन रेसलिंग में कनाडा इज नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 2 उसकी रैंकिंग है। तो लेकिन फिर भी अब जो हमारे इस साल के 2009 के टूर्नामेंट थे, उसमें एक बार तो हमारा जे दोनों टूर्नामेंट इंडिया में हुए, एक जलंधर में हुआ था शहीद आजम भगत सिंह रेसलिंग टूर्नामेंट, वहाँ पर जापान की टीम थी, मे बी नंबर 1, मे बी नंबर 2, पर हमारी लड़कियाँ ने जापान की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा मुकाबला किया। जो रेशो रही थी वो 4-3 की थी, 4 इंडिया के थे, 3 गोल्ड मेडल जापान के थे, ये वर्ल्ड नंबर 1 थी, और दूसरा नंबर 2 था उसका हमारा मुकाबला हो गया वर्ल्ड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। वहाँ पर भी कनाडा के साथ हमारा गोल्ड कंपटीशन था, लेकिन फिर भी कनाडा से हमने, हमारे 3 थे इंडिया के और कनाडा के 2 गोल्ड थे। इसमें लड़कियों का हौसला बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इट इज नॉट ईजी टू गेट ऑल गोल्ड, लेकिन वेरी डिफिकल्ट जी, हौसला अगर मजबूत हो, हौसला मजबूत तो फिर उड़ान बड़ी लंबी जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि गीतिका, जिन्होंने काफी मजबूती से अब तक हौसले के साथ और एक स्किल के साथ एक उड़ान भरी है, गीतिका यहाँ अपना सफर जरूर जारी रखेंगी। गीतिका, दोहा एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, और आप जब अपनी अचीवमेंट्स की बात कर रही थी तो वो खुशी आपके चेहरे से बिल्कुल एकदम निकल कर सामने आ रही थी। अभी जो आपकी तैयारी है, कितनी कॉन्फिडेंट है आप कि गीतिका और अचीवमेंट्स
और माइलस्टोन लेकर देश के लिए बिल्कुल तैयार है? देखिए, अभी तो जिस हिसाब से मैंने पहले कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में परफॉर्म किया है, तो 2 times मेरा गोल्ड मेडल है, और जो 2005 में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी साउथ अफ्रीका में, उसमें मुझे बेस्ट रेसलर का जो खिताब मिला वो इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने अबव 63 सारी कैटेगरीज, मतलब एक कैटेगरी कर दी थी, और मेरी फाइट हुई वो कनाडा की लड़की थी जो कि इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है 67 kg वेट कैटेगरी की, तो मैंने उसको दोनों राउंड बिल्कुल इजीली हरा करके और मैं उससे जीती थी, तो इस वजह से मुझे बेस्ट रेसलर का खिताब दिया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जब मैं अपने से ऊपर वेट कैटेगरी की लड़की को हरा सकती हूँ आसानी से, तो मैं अपने कैटेगरी की लड़की को भी आसानी से हरा लूँगी। बस ये भगवान से दुआ है कि मेरी इंजरीज जो है वो ठीक हो जाए इंजरी, और आगे मैं अच्छे तरीके से जैसे मैं तैयारी करती हूँ पहले उसी तरह से करती हूँ। जरूर ठीक होंगी, और जो आपके प्रशंसक हैं हम लोग पूरी दुआ करेंगे कि आपकी इंजरीज ही न सिर्फ ठीक हों बल्कि आप एक ऐसी ऊर्जा से भरें कि जब आप मैदान पर उतरें, जब अखाड़े पे आप उतरें, तो बिजली की तरह कौंधे और एक खूबसूरत सा स्वर्ण पदक फिर देश के लिए लेकर आएं। बात आपके अचीवमेंट्स की चली है तो हम फाइनल बाउट जो है वो देखते हैं। दोहा एशियन गेम जापान के साथ मुकाबला था, हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मजबूती से आप डटे रहें और इस फाइनल बाउट में भी गीतिका की ये स्प्रिट हमको बार बार नजर आती है। आइए एक झलक हम देखते हैं कि गीतिका ने किस बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी। आइए, द ब्रॉन्ज मेडल विनर ओडिशिमिक बैथ्रैक ऑफ मंगोलिया, बट शी फेसेस अ टफ असाइनमेंट हियर अगेंस्ट द यंगर ऑफ द इचो सिस्टर्स, काओरी इचो। And runner-up, to whom do you think? Su Hai Yan, who's just taken up the bronze medal in this year's contest. Jitika Jakhar of India proved to be a stubborn opponent through the preliminaries. A surprising winner. First point on the board, though, to Kaori Icho here. Not yet signaled on the board. Kaori Icho, she has pinned her opponent midway through the second period. Jitika Jakhar is only 21 years of age and proved a very difficult customer for her opponents in the quarter and semi-final matches here, winning through to the gold medal bout, and no disgrace. हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पर बिखर जाएं हवाओं में तो गम मत करना। जैसा कि हमने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं, लेकिन आप कितनी दमदारी से मैदान में होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और गीतिका की आंखों में जो चमक थी वो चमक ये बताती है कि ये एक लंबी रेस में शामिल होने वाली खिलाड़ी हैं और बहुत आगे जाएंगे। गीतिका, कितनी जिंदगी बदली इस सफलता के बाद? इसके बाद एक्चुअली मेरे पहले के मेडल्स जो थे उसके बाद मुझे कोई रिकग्निशन ऐसा कुछ था नहीं। इस मेडल के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, बल्कि इसी मेडल के बेस पर मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, और उसके बाद मुझे हरियाणा पुलिस में DSP की पोस्ट मिली, और सभी इसी मेडल के ऊपर था। लेकिन ये मेडल मैंने, आपने फाइट में भी जैसे देखा होगा, पूरा मेरा हाथ जो था स्ट्रैप था, तो उसमें क्या हुआ, मुझे जाने से 5 दिन पहले मुझे यहाँ कॉलर बोन फ्रैक्चर था, तो मुझे बिल्कुल, मैंने ये बताया भी नहीं था किसी को, क्योंकि वरना मेरा जाना भी शायद कैंसिल हो जाता, और मुझे इतना डिप्रेशन था कि पता नहीं मैं उधर कैसा परफॉर्म कर पाऊँगी। तो सच बताऊँ, मेरा टारगेट सिर्फ फाइनल में पहुँचना था वहाँ पर, क्योंकि मुझे हाथ में बहुत ज्यादा चोट बिल्कुल थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा आपका, और आप उस हौसले के साथ वहाँ पहुँची, और पर बिखर भी जाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है आगे आप बहुत लंबी उड़ान भरेंगी। ये बताइए, मिला बहुत कुछ नहीं भी मिला जो चुभा मन में कहीं? नहीं,
आपको लगता है कि जिस तरह का रिकॉग्निशन, जिस तरह की एक एक आपको आपको एक चमक आपने बिखेरी, उस तरह की चीजें आपको रिवॉर्ड के रूप में मिली, या लगता है कि ये है कि जैसे मैंने वो मेडल लिया उसके बाद लोगों में था, जैसे नया नया मेडल था, सबको पता था उस टाइम पे हुआ कि सब उसके बारे में जानते थे, लेकिन अब जैसे है कि हमारी विमेन रेसलिंग को नहीं कोई इतना पूछता, कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो बाकी सभी बल्कि मेल रेसलर्स को स्पॉन्सरशिप्स हैं, लेकिन विमेन रेसलर्स को उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की उपलब्धियां आप लोग दिखा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड भी सामने आएंगे, लोग आपको पहचान रहे हैं, आप एक हीरो के रूप में सामने आ रहे हैं, एक बिल्कुल एक आपका चेहरा ऐसा है कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप आगे नाम रोशन करने वाले हैं। सोनी साहब, हम आपकी तरफ आते हैं, कॉमनवेल्थ में हमारी क्या उम्मीद है? देखो, हमारी लड़कियां जिस तरह से हम कम कर रहे हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों में भी काफ़ी दिलचस्पी और मेडल जीतने की इच्छा है। हमारे मेडल तो आएंगे तकरीबन पूरे के पूरे, हो सकता है एक आधा कहीं तो रुक जाए, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के लिए हमारी लड़कियों को भी और हमें भी और सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है अच्छा है, कैनेडा की टीम अच्छी है, एक कैमरून की अफ्रीका की टीम अच्छी है, नाइजीरिया की टीम में कुछ लड़कियाँ अच्छी हैं, साउथ अफ्रीका में भी लड़कियाँ ठीक हैं, मतलब अच्छी आजकल ट्रेनिंग को वो भी कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए, और हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सभी लड़कियों के लिए और कोचेज के लिए भी, वैसे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीमें बनाई हुई, ऐसी बात नहीं है, फेडरेशन के साथ भी हमारा तालमेल रहता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लेकर देते हैं। पर अब कुल मिला के लुबे लुआब ये है कि काफी बढ़िया प्रॉमिसिंग तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। मोनिका से भी हम यही बात पूछ लेते हैं। मोनिका, आप भी बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं जो बात सोंधी साहब कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोंधी सर ने जो कहा उससे मैं भी एग्री हूँ कि हम काफी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी और फेडरेशन की तरफ से भी काफी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जा रहा है। हम काफ़ी मतलब उनकी उम्मीदों पे भी और देश की उम्मीदों पे भी खड़े उतरने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ पूरी टीम है, हमारी 28 रेसलर्स हैं, 5-6 कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, सभी हम इसमें मिलजुल कर एक जरूर परचम लहराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत इस हौसले को सलाम है। गीतिका, आप भी कॉमनवेल्थ में परचम फहराने की बात जिस तरह से सोंधी साहब ने कही, मोनिका कह रही हैं, आप भी पूरी तरह सहमत हैं कि हम महिला रेसलर्स जो हैं वो अपना परचम फहराएंगे कॉमनवेल्थ में? बिल्कुल, अब तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है तो नींद आनी भी बंद हो गई है कि कब से जल्दी से कॉमनवेल्थ गेम्स नजदीक आए और हम जो है गोल्ड मेडल लें। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और आपके इस हौसले को भी बहुत हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि एक बहुत बेहतर शक्ल में महिला कुश्ती हिंदुस्तान में सामने आएगी। तो आपने देखा, इनके हौसले को देखा, और इन चेहरों को गौर से देखें आप, और न सिर्फ देखें बल्कि पहचानें, सलाम करें, इनके साथ आगे आएं, इनका समर्थन करें और इनके लिए चीयर अप करें, क्योंकि आपका ये चीयर अप हिंदुस्तान को खेल में एक शक्ति बना सकता है, और खासतौर से अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करते हैं तो इन सारे चेहरों को आप अपने सर पर, बिल्कुल सर माथे पर बिठाएं और पूरा समर्थन इनको दें, तभी चक दे इंडिया वाली जो बात है वो सामने आएगी। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।